ये मान सम्मान ही जरूरी है। बुजुर्ग आदमी का तो बच्चे सुन रहे हैं। सबसे पहले मैं तकरीर करा देता हूँ, कुश्ती के रहते दोनों रहते राजकुमार कौन सा और चलती सहवाजी कुमार कौन वाले, ठीक है यही दो सीनियर है। और हाथ खड़ा करे संजय, संजय पहलवान खाओ जगह गुरु रामकृष्ण 18 मंगलवार का अभ्यास किया है इस पहलवान ने और अभी पिछले दो तीन साल से इनको हनुमान अखाड़ा दिल्ली में शिफ्ट किया गया जो कि इसके दौड़ के पहलवान नहीं है। फिर एक बार सुन ले, संजय पहलवान साहब जहरा गुरु रामकृष्ण अखाड़ा मंगलवार फिलहाल अभ्यास कर हनुमान अखाड़ा दिल्ली में भोला पहलवान भोला पहलवान गांव आदमपुर गाड़ी नरेंद्र कोच साहब भारतीय सेना राजनीत के मैं खुद भी राजनीत का हूँ उनका शिष्य है ये भी भारत केसरी है। पहलवान जी खड़े हो जाओ, इनके बेटे हैं ये दादा और दादा भी साथ आ रहे हैं। दादा जी आप भी खड़े हो जाओ, दादा खड़े हो जाओ भिक्का ले रखे है ये सगा दादा है। अरे दादा आता आपका सम्मान इतनी महान इतनी खुशी रखने वाले और साहब पहला टाइम 15 मिनट उसके बाद तो और बढ़िया कुश्ती को और टाइम दिया जाएगा। साहब कुश्ती आ रही नहीं पड़ी जाएगी, दंगल के बीच में कुश्ती होगी, कोई दिक्कत होगी तो बताना। देखिए 71,000 रुपए का ये कुश्ती का लास्ट कुश्ती है और इनको तो समय कितना दिया गया, पहला टाइम 15 मिनट का, 15 मिनट का समय दिया गया है, 15 मिनट और बाद में फिर टाइम देंगे अगर बढ़िया कुश्ती लड़ेंगे अच्छी कुश्ती दिखाएंगे। आ जाओ बाबा देखे आदमपुर गाड़ी वाला थोड़ा पहलवान माता जी है और आज पोते की कुश्ती पहलवान बनाने में बहुत भूमिका है। बाप और बेटे दोनों आ रहे हैं, बाप भी दादा भी और पोता कुश्ती लड़ रहा है, जोरदार तालियां इनके लिए भी। और सरपंच साहब इनको हमारा पहनाकर इनके दादाजी को सम्मानित बहुत ही अच्छा बेटा सुनो कभी फायदा है जो जो पैसा कभी भी आपको दे रही है उस हिसाब से पैसे आप ले लें। बहुत बैठने से कमेटी जो बात चल रही है। आ जाओ दोनों, आ जाओ दोनों, आ जाओ क्या बात। देखिए मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हम लास्ट की जो कुश्ती होने के बाद कोई पहलवान या कोई कोच कमेटी के पास नहीं आए, सबका हमने जो मान सम्मान करना था वो आपका कर चुके हैं। ये लाला लीली नहीं करेगी मैं वहां से आया था वहां से आया था वहां से आया था, ये ध्यान रखिए भाई। कभी कमेटी के पास आ जाओ, कमेटी के पास कोई अब किसी प्रकार की कोई गुंजाइश नहीं है। और कितने सात
कहाँ से 100 रुपया कोई 200 दे से, इनकी नीयत और नीति गलत है। कोच चाहो कैसे भाई, कोच तो तेरे को कोई और बोला ले, हम तो कुश्ती दंगल खाते हमने इनका भी लारो लप्पा डाल दिए। मैं सोच ये ट्रांसपेरेंट पारदर्शिता, जितने भी कोच साहब और जितने भी उस्ताद और खलीफा आ रहे भाई काफी गाँव में इस दंगल के अंदर प्रधानमंत्री का आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है, मैं लगातार बोल रहा हूँ। इसी तरह से आप हमारे इलाके में बच्चे लड़ते रहे, हम पे कुश्ती करवाएंगे, ऐसी कुश्ती करवा रहे हैं। हो सकता है मेरे दो आंख है और जनता की छह आंख है और सभी के सामने बता दे सब कोई आप तैयारी नहीं है, जो कि दो महीना की महीना की तैयारी खत्म हो जाती है। और फिर एक मैं विशेष सूचना देना चाहता हूँ, मेरी आवाज जहाँ तक जा रही है मेरे ख्याल से सभी दुकानदार भाई सुन रहे होंगे। भाई मैं आपसे सभी दुकानदारों से ये कमेटी की तरफ से अपील करना चाहता हूँ कि हर साल की भांति ये तुम नाम लिख जाते हो दुकानों का, इन दीवारों को भी खराब कर जाते हो, एक एक महीना पहले दो दो महीना पहले, और एक डब्बो आधा लीटर को जाकर मांगे सिंह रोड सिंह फलाना सिंह रामलीला ये ऐसे कैसे कब तक चलेगा भाई। सभी का ये बता दिया जाता है जो दो दिन चार दिन पहले आएगा चाहे उसको पहले दी जाएगी ना कि नाम लिखने वाले को दी जाएगी। ये अगली साल से ये रूल फॉलो हो रहे हैं। सभी दुकानदार भाई सुन ले, सभी दुकानदार भाई सुन ले, उसके नाम के ऊपर कोई और नाम लिख जाता है फिर वो दोनों झगड़ा कर देते हैं या पुलिस बुलानी पड़ती है। ये बार बार का झगड़ा कमेटी वाले सहन नहीं करेंगे। नाम से कोई फैसला लिया जाता है किसी प्रकार की पर्ची ली जाती है, अगर आप पहले आओगे तो पहले पाओगे, ये रूल है। अगली साल ध्यान रखो कोई भी दुकानदार किसी प्रकार का नाम या संकेत अपने दुकान के सामने नहीं लगाएगा, ये कमेटी का आदेश है। रंग पेंट होता है उसके ऊपर आके तुम अपना नाम लिख सकते हो, हमारे गुरु जी भी उस पर नाराज होते हैं, तो इसलिए चर्चा करके सभी दुकानदार भाइयों से अनुरोध है अगर कोई पांच दिन पहले दुकानदार आएगा तो सबसे पहले जगह उसको मिलेगी। एक बार जोरदार तरीके से बाबा का जयकारा हो, बोलने से राज महाराज की। भाई लास्ट का देखो, लास्ट की कुश्ती चल रही है और थोड़ो सो खीर चूरमो खाएगा होगा बाबा को प्रसाद देसी लिखो से, एक बार इन्हें थोड़ा सो जाया करो थमगी। बोलो वाली सरदार महाराज की। मैं उरी ना जाऊं तो कोई ना बोले भाई सारे मिलकर के बोलो वाली सरदार महाराज की। ये 71,000 रुपए की कुश्ती है, 71,000 रुपए की, और जो 25,000 की दो कुश्तियां करवाई भाई साहब ने 51,000 रुपए दिए थे, वो हमने दो कुश्तियां भाई साहब महेश पुत्र लहरीराम जो कि हमारे बीच में पहुंचते लेकिन किसी कारणवश उनको त्रिपुरा जाना पड़ गया तो वो हमारे बीच में नहीं पहुंच पाए, लेकिन भाई का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन है। देखिए 51,000 रुपए का सहयोग जिसमें भाई का हमारे को मिलता है, मैं ये सोचता हूं कि वो हमारे नाम पर इस बाबा के नाम पर संतुष्ट होंगे कहीं ना कहीं, और आज के इस दंगल में हमारे बीच कर्नल जोगेंद्र सिंह जी भी विशेष रूप से पहुंचे थे, हम उनका भी दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और हर साल की भांति हमारे बीच में श्रीमान रविंद्र सिंह जी चौहान साहब अपना पूरा समय हमें देते हुए
हम इनका दिल की गहराइयों से इनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं जो इन्होंने इनका कीमती समय इस मेला कमेटी को दिया। और साथ ही साथ भाई सरपंच देवी सिंह जिनका समाज सेवा के अंदर पूरा बढ़ चढ़ कर सहयोग रहता है, वो भी हमारे बीच में आज पूरा समय दिया और काफी सारी गोष्ठियां उन्होंने करवाई। हम भाई साहब का भी तहदिल से धन्यवाद करते हैं। और हमारे साउंड मास्टर श्री दयानंद जी, निखिल साउंड अटेली मंडी, जो अपनी विशेष सेवाएं हर साल मंदिर प्रांगण में देते हैं, हम उनका भी तहदिल से शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने अच्छी सेवाएं दी। और भाई साथ साथ ही बीजेपी वाला दो भी भाई देखो लाइट ना काटी, देखो लाइट ना काटी, आज का हर साल काट रहे हैं आप तो आज देखो विशेष सहयोग हमारे जो बिजली कर्मचारी हैं, हमारे को हमेशा इतनी तत्परता से अगर कोई फाल्ट भी आ गया तो उसको तत्परता से निभाने का, उसको ठीक करने का कार्य करते हैं। हम उनका भी और जितना भी ये मेला प्रबंध कमेटी में जितने भी मेरे नौजवान साथी हैं, युवा वर्ग के साथी हैं, और जिनकी ये डेकोरेशन और जिनकी लाइट की व्यवस्था और जिनकी ग्राउंड वैन की व्यवस्था या पार्किंग की व्यवस्था, ये इतनी सुंदर व्यवस्था की, उसके लिए इनकी दिल की गहराइयों से जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। मैं इन सभी नौजवान साथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। देखिए बहुत साथ का नाम पूछिए दिल्लू अखाड़े से और दिल्लू पहलवान जी, और इनका स्वागत कराया आपने ये बोर्ड है दिल्लू अखाड़े में। भाई बहुत साहब भूल गए थे इसके बारे में, भाई अभी ले जाऊँ ऊपर ले जाऊँ भाई साहब, चाहे चाहे थोड़ा तो कर देते भाई आते भाई, एक और देते एक और देते। देखिए मेरे को अभी वैसे तो घर पर से नहीं पहुँचे हैं, मैं देख पा रहा हूँ भाई को भी अभी गौशाला बिहार में भी एक प्रोग्राम है, मेरे को पता चला कि नीरज जी है बहुत ही जल्द कुछ ही दिनों में है, दो चार दिन के अंदर ही है। तो मैं सभी अपने जो देखिए 17, 18, 19 के लगभग जिन तारीखों में है तो वहां भी सभी पहुंचे और अपने श्रद्धा से जो गौशाला में दान देश के वो दे, ये सभी का आपका 71,000 रुपए की कुश्ती चल रही है 71,000 की। देखिए आपके आशीर्वाद और सहयोग से ये मेरा ऐसे ही भरता रहे और बाबा नरसिंहदास जी की कृपा हम पर सभी इस क्षेत्र पर बाबा नरसिंहदास जी की कृपा बनी रहे, इस क्षेत्र पर बाबा नरसिंहदास जी एक महान संत हुए थे। देखिए हमको पैदा भी नहीं हुए थे, हमें तो पता भी नहीं बाबा किस मुहूर्त में थे, ना कोई उनकी तस्वीर है, लेकिन बाबा की समाधि पर लाखों श्रद्धालु आते हैं और अपनी मन्नतें मांगते हैं। तो 17, 18, 19, 20 का ये 4 दिन का प्रोग्राम बिहारी गौशाला में है, जो भी वो भक्त है वो जरूर पहुंचे बिहारी। देखे देखिए दोनों बहुत अच्छे पहलवान हो और अटैक की कुश्ती रखो, आंगड़ी तोड़ने की उसके हाथ बनाने की वो चीज ना करें, आप अच्छे महान पहलवान हैं दोनों, अच्छे हैं अच्छी चीज क्या करें, अगर गलती के लड़की चाहता है तो माँ अपने आप ही करोगे। देखिए आज तो कई साल से जो लगन हुए हैं बिहारी का धर्म का संगल बहुत बढ़िया दंगल, 9 किलोमीटर दूर था, बहुत बढ़िया कुश्ती और भाई ये सबको पता है कि बात हो रही है तो बहुत अच्छा हो जाए या बहुत बेकार, और इस बार दर्शक तो कम है ये पक्की चीज है, लेकिन पहलवान उतने ही जाता है पिछली साल से 3 गुना अधिक पहलवान है।
तो हमने देखा है जबरदस्त नए बच्चे आए जो हरियाणा में समझते कल परसों हेतमपुरा में थे, पाली में थे, चिंदौली में थे, वो बच्चे आज यहाँ आए हैं। भाई 26 तारीख का मंडल है, जरूर कमेटी ने मेरे को निमंत्रण किया, सभी पहलवान आए। 31,051,000 का मंडल कुछ निशान बोला था, पांच पांच करके कुछ भी करवा देंगे, आप सभी आओगे तो ये पक्का है। खाली हाथ नहीं जाओगे, पुष्टि करवा देंगे और आपको संविधान करनी पड़ेगी। 28 तारीख के दिन में ये होना, मैं तो 31 से नहीं चला लड़ू तो उसकी बनती है, बराबर हिस्सा कर देंगे सभी का। बहुत बढ़िया कुश्ती 15 मिनट का समय, दोनों भारत केसरी। एक और चीज बता दूं आपको, आज से 6-7 साल पहले बोरा पहलवान ने कही थी कि मैं बिल्कुल फिट होकर के आऊंगा आपके पास में, वो बिल्कुल ही फिट होकर आया भैया। संजय और भोला दोनों 20-20 दोनों बराबर के पहलवान हैं आज की तारीख में, बिल्कुल बराबर। और स्वागत है, पहले घोड़ा का है क्योंकि घोड़ा दूर से है। लास्ट एक मिनट भाई पहुंचा, एक ना दो कर दो और बढ़ा दो थोड़ा सा। शाबाश भाई, शांति रखो, शाबाश, लड़ो कुश्ती, आपके ऊपर निर्भर है। हम ऐसे बताने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, जरूर हमारा सहयोग दे भाई हरियाणा वाले पहलवानों, क्योंकि हमारे तो सरपंच साहब ने बता दिया था कैसे बोलते पहलवान के अभी थोड़े हल्के हैं, लेकिन अभी भी हमारी पौध तैयार हो चुकी है, बहुत अच्छे बच्चे हो गए। मिल के कुछ यहाँ खत्म है, स्टैंड पर मैं कुछ और प्यार कर रहा है, नंबर बता दो, छोड़ दो छोड़ दो। हेलो, देखिए एक और सब लास्ट मिनट बस अंदर ही लड़ो कुश्ती, लास्ट मिनट, उसके बाद कोई कुश्ती नहीं बराबर। और मैं कमेटी से बात कर लेता हूँ, जनता चली जाएगी फिर ये कहेगी कितने पैसे दिए। देखिए हेलो भाई, देखो सरपंच साहब वाले भाई जयकारा बोल रहा जी, सरपंच साहब जयकारा बोलो की भाई ना, सरपंच साहब ठीक नहीं ना, और जागर भाई जोर पहले तरीके से बराबर सुनते हैं तो 31,000 रुपए दिए जाएंगे। बोलिए बाबा नरसिंह दास महाराज की, 31,000 रुपए दिए जाएंगे दोनों पहलवानों को। और मैं जरूर सरपंच साहब से बात करके जाऊंगा अभी अगले साल। हाँ बराबर,